नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एचपी का लैपटॉप है, तो आज हम लोग इसके अंदर में विंडो आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। देखिए दे रखा मॉडल नंबर, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए यहाँ पे यूएसबी है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लैपटॉप में लगा देंगे इसको। बूटेबल यूएसबी ले लेंगे, सबसे पहले विंडो बना लेंगे। तो ये देखिए विंडो बना रखी है हमने, लगा देंगे समझ गए पेन ड्राइव को। तो ये देखिए लगा दिया। अब जो है हम लोग दोस्तों यहाँ अपने लैपटॉप को चालू करेंगे। ये देखिए लैपटॉप यहाँ पे रख रखा हमने, और लैपटॉप को जो हमें चालू करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए आ गया लैपटॉप पे। और ये देखिए आप लोग हमें पावर का बटन है, तो पावर के बटन को दबाएंगे, और फिर जो है यहाँ पे आप लोगों को जो हमें स्केप के बटन को दबाना है। ये देखिए पावर के बटन को दबाया, लैपटॉप हमारा है वाई स्टार्ट। और देखिए जब यहाँ पर हमने जो हमें स्केप के बटन को दबाया तो सेटिंग आ गई। अब जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोग F10 दबाएंगे। F10 की जगह में सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए F10 को दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे खुल जाएगी बायोस हमारी। बायोस में जाने के बाद में जाएंगे अपने, बायोस में जाने के बाद में जगह में बूट ऑप्शन में जाएंगे हम, सिस्टम में चले गए। सिस्टम में जाने के बाद में नीचे देखिए यहाँ पे दे रखा है इसमें जगह, ये देखिए बूट ऑप्शन दे रखा है, तो बूट ऑप्शन में जाएंगे। बूट ऑप्शन में जाने के बाद में जगह में लेजेसी को चालू करेंगे दोस्तों। देखिए लेजेसी यहाँ पे हमारी जगह में बंद है, तो लेजेसी को चालू करेंगे सबसे पहले बूट के लिए। ये देखिए लेजेसी यहाँ पे सपोर्ट इसमें दिखा रहा है, लेजेसी को चालू करेंगे। आपको इस पे जाके यहाँ पे जगह में ना जैसे कि एंटर को प्रेस करना है इसमें लेजेसी सपोर्ट में। ये देखिए ऐसे करा तो अब जो है इसे इसमें देख रहेंगे, एरो का की है तो नीचे आ जाना है इसमें, और ये देखिए डिसेबल का है, और इसी के नीचे जो है दोस्तों यहाँ पे इनेबल है, तो यहाँ पे एंटर करके कर देंगे इसमें इनेबल। इनेबल देखिए कर देंगे, तो सेटिंग के लिए यस मांग रहा है करने के लिए, तो यस पे क्लिक करके मार देंगे एंटर, यस करेंगे। और ये देखिए लेजेसी चालू हो गई, और यूएसबी यहाँ पे देख रहेंगे इसमें डिस्किट है, तो यूएसबी डिस्किट को आपको जो गाँव में फर्स्ट पे लगा लेना है। फर्स्ट पे हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो वैसे आपको भी यहाँ पे लगा लेना है दोस्तों। आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है, जब आप अपने जगह में लेजेसी को चालू करेंगे तो आपके जैसे कि यूएसबी है, तो यूएसबी को आपको जगह में फर्स्ट पे रखना है, ठीक है ना, कि हार्ड डिस्क को। तो अगर आप जैसे कि लेजेसी में जाते हैं, तो अगर आपको जगह में है ना ये ना जैसे आपको जगह में फर्स्ट पे करना है उसको यूएसबी को, तो एफ़ ना जैसे कि 5 होता है, एफ़ जैसे कि आप जगह में कीबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पर F5 होगा, F6 होगा, उससे ये ऊपर नीचे जैसे कि होता है इसमें। तो आप लोग जो है अपने जगह में कीबोर्ड में दबा के यूएसबी को, नोटबुक हार्ड डिस्क वगैरह को ऊपर जो है नीचे यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे कि बूट करना है यहाँ पे, तो आपको ना जैसे कि पेन ड्राइव को जगह में आपको यहाँ पे फर्स्ट पे रखना है। और फिर हम लोग दोस्तों यहाँ पे F10 को यहाँ पे जगह में प्रेस करेंगे, F10 को यहाँ पे प्रेस करके और मार देंगे एंटर। एंटर को मारने के बाद फिर हम लोग जगह में स्केप के बटन को दबाएंगे। स्केप के बटन को दबाने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है बूट डिवाइस, तो हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ना जैसे कि F9 को प्रेस करेंगे, इसमें F9 देख पा रहे हैं, इसमें F9 को प्रेस करेंगे तो बूट का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। पेन ड्राइव है जो हमारी यहाँ पे शो करेगी, ये देखिए, ये देखिए USB आ गई हमारी, USB डिस्क 2.0 आ गई है, तो करके सेलेक्ट इसमें एंटर को प्रेस करेंगे, और ये देखिए एंटर कर देंगे, फिर क्या है हमारी यहाँ पे पेन ड्राइव अच्छे से बूट होने लगेगी दोस्तों। आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है, जब आप अपने जगह में लेजेसी को चालू करेंगे, तो आपके जैसे कि यूएसबी है, तो यूएसबी को आपको जगह में फर्स्ट पे रखना है, ठीक है ना, कि हार्ड डिस्क को। तो अगर आप जैसे कि लेजेसी में जाते हैं, तो अगर आपको जगह में है ना ये ना जैसे आपको जगह में फर्स्ट पे करना है उसको यूएसबी को, तो एफ़ ना जैसे कि 5 होता है, एफ़ जैसे कि आप जगह में कीबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे F5 होगा, F6 होगा, उससे ये ऊपर नीचे जैसे कि होता है इसमें। तो आप लोग जो है अपने जगह में कीबोर्ड में दबा के यूएसबी को, नोटबुक हार्ड डिस्क वगैरह को ऊपर जो है नीचे यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे कि बूट करना है यहाँ पे, तो आपको ना जैसे कि पेन ड्राइव को जगह में आपको यहाँ पे फर्स्ट पे रखना है।
देखिए आ गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और ये देखिए आ गया। और हम लोग जो है यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, सेटअप स्टार्टिंग यहाँ पे दिखाएगा और फिर आगे को चलते हैं। लैपटॉप के अंदर में जैसे कि कोई भी चीज़ को बूट करना है तो आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और फिर जो है दोस्तों हम लोग ठीक जगह में कस्टमाइज में चले जाएंगे। ये देखिए आप जगह में ना, जैसे ये देखिए आप जगह में पार्टीशन है तो पार्टीशन को जो तो हम लोग जगह में डिलीट करेंगे। इसमें पार्टीशन को देखिए हम लोग नंबर वाइज यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सबसे पहले इसमें डिलीट यहाँ पर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे विंडो आपको जगह में डालना है तो जैसे कि सी विंडो है तो सी सी को आपको यहाँ पे करना है। आपको जैसे कि लैपटॉप है तो सी सी को परमिट यहाँ पे करना है। सारे ना जैसे कि हार्ड डिस्क को परमिट आपको यहाँ पे नहीं जो है ठीक है जगह में करना है। तो हमें क्या है कि जैसे कि पूरी विंडो को नया जैसे कि फॉर्मेट हम लोग करना है, जैसे कि मार्केट डाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर अच्छे से सभी को फॉर्मेट इसमें कर लिया है। आपको ना जैसे कि सी का है तो सी सी को आपको यहाँ पर करना है फॉर्मेट, नहीं तो आपका सारा का सारा जगह में डाटा जा सकता है। तो ये देखिए अब जैसे नया जो है यहाँ पे पार्टीशन को बनाएंगे तो 1.5 लाख लिख दिया हमने। 1.5 लाख लिखने का मतलब ये है ना कि 150 GB आपका यहाँ पे बनेगा। 150 GB बहुत होती है विंडो के लिए। तो ये देखिए बन गया इसमें 150 GB का। और ऐसे दो हैं पार्टीशन और भी, तो उनको भी बना लेंगे हम। तो ये जो पार्टीशन है तो अलग अलग इनको भी इसी में अच्छे से जो है दोस्तों हम लोग इसमें जगह में क्रिएट कर लेंगे और फिर अच्छे से जो है यहाँ पे काम करेगा। देखिए दूसरा पार्टीशन भी बना लिया हमने, इसके अंदर में क्रिएट यहाँ पे कर लिया है। ऐसे ही हम लोग जो है तीसरे पार्टीशन को भी क्रिएट करेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो है यहाँ पे काम अच्छे से इसके अंदर में चलता रहे। बना लिया पार्टीशन और 150 यहाँ पे GB आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने और फाइल जो है हमारी यहाँ पर कॉपी होने लग गई है। 1 जो है यहाँ पर परसेंट अभी आपको दिखाएगा। देखिए फर्स्ट पे आते इसमें कॉपिंग का फंक्शन आया था तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कॉपी का फंक्शन था। तो ये जो है विंडो हो गई है इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा। आपको यहाँ पे जगह में कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ही यहाँ पे विंडो इसके अंदर में जगह में इसके अंदर में विंडो इंस्टॉल होगी ठीक है ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना है। इंस्टॉल के बाद में 100 तक होगा, इसमें 100 के बाद में विंडो रीस्टार्ट होगी। तो देखिए हमने थोड़ा सा जैसे वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, रीस्टार्ट हो गया हमारा पीसी। रीस्टार्ट के बाद क्या होता है कि आपके ना जैसे कि लैपटॉप में जगह में पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को निकाल लेना है ना, तो वो यहाँ पर ना ये ना जैसे कि दोबारा से विंडो को बूट यहाँ पर कर देगा, तो आपको यहाँ पर निकाल लेना है। और देखिए रीस्टार्ट होगा तो रीस्टार्ट के बाद में निकालना है ठीक है ना, रिस्टार्ट के पहले नहीं आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये आपको जगह में ध्यान में रखना है। तो देखिए आ गया इसमें फिनिशिंग, आप आ रहा है मतलब विंडो हमारी डल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो है दोस्तों आपका लैपटॉप यहाँ पे रिस्टार्ट इसमें करेगा वैसे ही आपको जो है इसके अंदर में USB को निकाल लेना है। जो जैसे कि बूटेबल को लगा रखा है आपने जगह में लैपटॉप में तो उसको यहाँ पर निकाल देना बाहर और फिर से लैपटॉप हमारा अच्छे से बूट होगा। देखिए पेन ड्राइव निकाल दी हमने और अपने आप ही बूट होगा यहाँ पे लैपटॉप। अगर जैसे USB रहेगी तो वही ना ये ना, तो फिर जैसे विंडो थी तो दोबारा से यहाँ पे उसको जगह में ठा लेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कि USB को निकाल दोगे तो विंडो बूट नहीं करेगी। फिर जो जैसे कि फाइल रहेगी आपकी इंस्टॉलेशन की फाइल रहेगी विंडो की यहाँ पर डलने लग जाएगी। तो यहाँ पर USB निकाल लेना है और फिर जो आपके जैसे विंडो की फाइलें रहेंगी कुछ रहेगा इसके अंदर में जगह में कॉपी रहेगा तो वो जो है जैसे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर जगह अच्छे से यहाँ पे ठीक है जगह में इंस्टॉल होगी। उसके लिए यहाँ पे आपको जगह में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जगह में वेट करना है
धीरे धीरे विंडो आपके लैपटॉप में हो ठीक है जगह में डल जाएगी। लैपटॉप के अंदर धीरे धीरे विंडो इंस्टॉल होगी, ये देखिए आ गया इसमें। पहले तो दोस्तों जो काम में गेटिंग आएगा, गेटिंग के बाद में स्टार्टिंग की सर्विस आएगी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा आपका, 10-15 मिनट लेंगी विंडो में कम से कम। अगर अच्छा जैसे कि पीसी है आपका तो 20 मिनट लग सकता है, ना तो अगर जैसे लेगा भी टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे आधा घंटा लेगी विंडो। 57% हो गया कॉपी देख पा रहे इसमें, 84% जो है रेडी है। विंडो के फाइल यहाँ पे चल रही हैं, लैपटॉप के अंदर में इंस्टॉलिंग अच्छे से यहाँ पे चल रही है। और 98% हो गया, 100% हो चुका है देख पा रहे हैं इसमें, गेटिंग रेडी आ रहा है। और इसके बाद भी आपका जो है यहाँ पे विंडो रिस्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। विंडो रिस्टार्ट यहाँ पे होगी आपकी, तो ये बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। और इसी को आपको यहाँ पे देख के समझ के चलना, आगे अच्छे से काम करना है। तो देखिए गेटिंग रेडी आ रहा है और HP लिखा हुआ है जो कि लोगो है HP कंपनी का, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगो कंपनी बना के देती है। रिस्टार्ट हुआ विंडो, और रिस्टार्ट के बाद देख पा रहे हैं इसके अंदर में चल रहा है कंप्यूटर हमारा। और रिस्टार्ट देखिए हो गया इसमें, ये देखिए विंडो डल रही है धीरे धीरे। फाइलें जो हैं विंडो के अच्छे से यहाँ पे कॉपी कर दी हमने। अगर आपके जैसे कि लैपटॉप में यहाँ पे जगह में डाटा है तो दोस्तों आपको छेड़ना नहीं उसको। ये देखिए आ रहा है इसमें जस्ट अ मोमेंट, मतलब कि विंडो डल चुकी है। अब जो विंडोज़ की यहाँ पे जगह में सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो धीरे धीरे विंडो लैपटॉप जो है अपने आप को यहाँ पे कॉन्फिगर अच्छे से इसमें कर रहा है, देख रहे हैं धीरे धीरे जो है इसमें काम चल रहा है। और थोड़ी देर लगेगा मोमेंट यहाँ पे, अगर आपका आपका अगर आपके जैसे कि लैपटॉप में विंडोज़ है, डाटा है और कुछ है, अगर आप ये मान लीजिए विंडो को पहली बार अपने लैपटॉप में डाल रहे हैं तो ये चीज़ ना करें, किसी अच्छे आदमी को दिखाएं, यस पे क्लिक करें। क्योंकि अगर अपने आप से विंडो डालेंगे तो आपका सारा का सारा जगह में डाटा जा सकता है, ठीक है, मिस्टेक वाइज। तो ऐसा ना करें, यस पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है ये देखिए फिर जैसे कि जगह हम स्किप पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। कीबोर्ड वगैरह का है, वाईफाई का है, तो इसको भी छोड़ देंगे। आई डू नॉट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे, जस्ट अ मोमेंट। और ये देखिए इसमें कंटिन्यू विथ लिमिटेड पे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों विंडो जो है हमारी यहाँ पे जगह में पायरेटेड है, तो हम लोग जो है इसमें लिमिटेड के जैसे कि एडिशन में ही यहाँ पे चलाएंगे। पीसी का नाम जो है आपको लिख लेना है यहाँ पे, तो पीसी का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो भी आपका नाम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे करेंगे, जस्ट अ मोमेंट दिखा रहा है, नॉट नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह में कोटोना है जो कि यहाँ पे सर्चिंग के लिए होता है, हमें चाहिए नहीं। और हाई आ गया लिख के, और एवरी थिंग इज़ रेडी फॉर यू देख रहे हैं लिखा हुआ है इसमें। तो मतलब कि विंडो हमारी लैपटॉप में अच्छे से यहाँ पे डल चुकी है और अच्छे से फंक्शनिंग हमारी काम कर रही है।
दिस माइट टेक सेवरल मिनट, यहाँ दिखा रहा है थोड़ी देर वेट करना है अंदर की जो फंक्शनिंग होती है विंडो की अच्छे से। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में रिजुल में कर रहा हमारा पीसीस जो भी है, तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रही है, इसके लिए वेट करना है आपको। और लैपटॉप देखिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे लैपटॉप है, और i5 लैपटॉप है जो कि यहाँ पे 5th जनरेशन में है। इसी के अंदर विंडो हमने अच्छे से जो है इसके अंदर में इंस्टॉल हमने करी है, और इसके अंदर में दोस्तों अच्छे से यहाँ पे डल चुकी है विंडो, और लीव लीव एवरीथिंग टू अस लिखा आपको दिखा रहा है, मतलब अब हमारी विंडोज जो है यहाँ पे फिनलाइजिंग पे है। ओके है बिल्कुल। थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे, तो और ऑलमोस्ट देर यहाँ पे आ गया, मतलब विंडो डल चुकी है, और ये देखिए डल चुका है अच्छे से। तो आप भी दोस्तों वीडियो को देख के विंडो को अपने लैपटॉप के अंदर में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।